बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आप जान रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स को लेके लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं कुछ हैं, तो हम क्लैरिफाई करने के लिए आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स एक्चुअल में है क्या और कितना लगने वाला है। बहुत से लोग, एक तो सबसे पहले ये समझ लें, जब हम बात करते हैं किसी भी कानून की, किसी भी चीज़ की, मुझे याद है आप लोगों में से कुछ लोगों ने पूछा था कि साहब जब आप एंक्रोचमेंट हटाते हो तो जो ये जैसे और देशों में होता है, आप हमारे यहाँ क्यों नहीं करते हो, रेगुलराइज क्यों नहीं करते हो, सो एंड सो फोर्थ। तो जब हम बात करते हैं भाई पूरे देश की, तो उसी हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स भी एक ऐसा टैक्स है जो पूरे देश में लगा हुआ है और JNK अपने आप में सबसे लास्ट स्टेट या UT है जिसमें ये इन्फोर्स किया गया है। किसी भी म्यूनसिपैलिटी की आय का एक मुख्य साधन जो है प्रॉपर्टी टैक्स होता है। अगर आप देखेंगे कि जनरली जो म्यूनसिपैलिटी के जो काम होते हैं वो लोगों से जो रोज़मर्रा के जो एकदम टच वाले जो कार्य होते हैं वो सबसे ज़्यादा म्यूनसिपैलिटी ही करती है। आपकी साफ़ सफाई होगी, आप घर से बाहर निकलोगे तो साफ़ सफाई होगी, मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक जितने भी एसेंशियल काम है वो म्यूनसिपैलिटी के दायरे में आते हैं। और म्यूनसिपैलिटी अच्छे से सर्विसेज प्रोवाइड कर सके तो उसकी एक आय का एक साधन होता है प्रॉपर्टी टैक्स। और ये एक तरह का प्रोग्रेसिव टैक्स होता है जिसमें आप जो गरीब होता है, मतलब आप ऐसा नहीं लगते सब पे एक समान लगाते हो, जो गरीब होता है उस पर कम लगता है और धीरे धीरे उसके हिसाब से बढ़ता है। सबसे पहले जनाब ये कोई नई चीज़ नहीं है, पूरे देश में लगती है और JNK UT में सबसे लास्ट में लगाया जा रहा है। सेकंड सर, ये हर महीने नहीं देना है, ये साल में एक बार देना होता है। तीसरी चीज़, जो भी इससे पैसा आएगा, मान लीजिए SMC का एरिया है तो जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर है ये उनके अकाउंट में जाता है, ये कंसोलिडेटेड फंड में नहीं जाता है। उसी तरीके से आप सोचिए, मेरे दूर दराज के कुलगांव की अगर मेरी म्यूनसिपल काउंसिल है तो जो वो पैसा जाता है वो उसके अकाउंट में जाएगा। कुलगांव भी मेंटल सेक्रेटरी था उस जिले का, मैंने देखा है वहाँ पे लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए बोलते थे कि साहब ये रोड जो हमें बनाना है या नाली हमें बनानी है तो उसके लिए पैसे की उन्हें कमी होती थी। वहाँ पे ये जो पैसा जो आएगा वो उसी काउंसिल के अकाउंट में रहेगा और वो वहीं उसी जगह ही इस्तेमाल होने वाला पैसा है, तो एक तरीके से आपकी डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी रहेगी। आप ये भी मानोगे कि जैसे ही आपसे यूज़र चार्जेस लिए गए डोर टू डोर कलेक्शन के, आप सब लोग इस बात को मानेंगे, ये ओपिनियन नहीं है, ये फैक्ट है, जब तक आपसे यूज़र चार्जेस नहीं लिए गए थे उससे पहले जो सर्विस थी और जब आपसे यूज़र चार्जेस लिए गए उसके बाद जो सर्विस हुई है, आप खुद उस बात को मानेंगे कि यूज़र चार्ज देने के बाद एक तो जो हमारा नागरिक है उसमें जागृति आती है, वो एनलाइटेंड होता है कि नहीं भाई मुझे इसको जो है, मैं आपको यूज़र चार्जेस दे रहा हूँ साहब, मुझे तो अब आपको, मेरे पास गाड़ी नहीं आई एक भी दिन तो आप कहते हो मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं आ रही है कि नहीं, तो इसे एक जागृति आती है। और जहाँ तक रहा JNK के कंटेस्ट में, 1000 square feet तक की जो प्रॉपर्टी है, अच्छा नंबर वन ये तो आपको पता ही है केवल अर्बन एरिया में ही है, रूरल एरिया में बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, अर्बन एरिया में अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है वो इससे बाहर है। तीसरा, जो 1000 square feet तक का जिसके पास अपना मकान है वो इससे बाहर है। लगभग 1/3 से ज़्यादा जो हमारे हैं वो इससे ऑलरेडी बाहर हो जाते हैं। फोर्थ पार्ट इसका जो आप देखोगे, अगर मान लो आपको किसी प्रॉपर्टी के लिए 100 रुपये देना होता है श्रीनगर म्यूनसिपल काउंसिल में, ऐसे कॉरपोरेशन में, तो आपको जो काउंसिल में है वो 75 रुपये होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, अगर कमेटी होगा तो केवल 50 रुपये होगा। तो जितना एक आदमी दूर दराज एरिया में रहता है, जो बेचारा अभी गरीब है अपना मकान बनाया है, तो वो उसमें ऑलरेडी एग्जम्प्टेड है, 1000 square feet तक ऑलरेडी एग्जम्प्टेड है। उसके बाद इसको प्रोग्रेसिवली उसमें बढ़ाया गया है, इसके फैक्टर्स हैं, कैलकुलेशंस हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इसको एक बार देखोगे तो आपके दिमाग से अपने आप ये मिथ दूर हो जाएगी। किसी को लगता होगा पता नहीं 6000 ले लेगा, 10000 ले लेगा, 15000 ले लेंगे और हर महीने ले लेंगे, ऐसा नहीं है, साल में है, JNK में सबसे लास्ट में लगाया जा रहा है पैसा, लोगों के तुरंत उनके इस्तेमाल के लिए उन्हीं की कमेटी के हाथ में रहेगा। जो काउंसलर रहेगा जिस एरिया से
एक बार कमेटी में पैसा आएगा तो उतना ही उससे अच्छा काम कर सकता है। और जो हमारे रेट है वो पूरे देश में सबसे कम है। उसका स्लैब आप लोगों के माध्यम से न्यूज़पेपर्स में भी दिखाया गया था कि कितना है। अगर मैं इसमें सिर्फ श्रीनगर कॉरपोरेशन, क्योंकि कुछ एरिया आप जानते हैं श्रीनगर में भी कुछ पॉश एरिया है, किसी के सर्कल रेट बहुत हाई होते हैं, किसी के सर्कल रेट बहुत कम होते हैं। तो एक रेजिडेंशियल एरिया जो है मान लो 1500 स्क्वायर फीट तक है तो वो 100 रुपये से लेके 1150 रुपये तक जाता है, मतलब मैक्सिमम अगर किसी का सर्कल रेट है। इसका जितना आपका बनता है उसके लिए कैलकुलेटर डिज़ाइन किया जा रहा है जो वेबसाइट पे दिखा दिया जाएगा, जिससे आप लोग भी खुद एक बार उसे देख सकते हैं। तो है ना, उसको कर दिया है। बाकी इसके बारे में कुछ ये आप इनको जो बताना चाहें और इसमें ऐड कर सकते हैं तो ऐड कर दें, फिर आपसे क्वेश्चन आंसर जो भी आप लोग एक पहले एक बार इनको। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे कि सर ने एक बड़ी इसको सरल तरीके से समझाया है कि किस तरीके से जो प्रॉपर्टी टैक्स जो अभी 21 तारीख को नोटिफाई हुआ है J&K में इसको लागू किया गया। दो तीन पॉइंट सर, आई मे बी दे वुड बी बिट ऑफ रिपुटेशन ऑल्सो। सबसे पहले कि जब हम कहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स ये एक प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स इसलिए है क्योंकि ये गरीब पे कम और जिस तरीके की इनकम होती है, जिस तरीके की एसेट्स इंसान के पास होती है उसी प्रोपोर्शन में बढ़ते हैं। हमारे जनरली जब हम बेसिक टैक्सेस की बात करते हैं, एक डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स होता है जैसे हम GST देते हैं या सेल्स टैक्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पेन है, ये पेन अगर 20 रुपये का है, इसमें अगर 2 रुपये का टैक्स है, ये 2 रुपये गरीब को भी देने पड़ते हैं, ये 2 रुपये अमीर को भी देने पड़ते हैं, ये 2 रुपये किसी मिडिल इनकम वाले बंदे को भी देने पड़ते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स जनरली रिग्रेसिव, इसको प्रोग्रेसिव नहीं माना जाता है। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव होता है। डायरेक्ट टैक्स में एक जो सिंपल एग्जाम्पल हम जानते हैं दैट इज इनकम टैक्स, कि जितनी इनकम बढ़ती है उसी प्रोपोर्शन में टैक्स देना पड़ता है। इनकम स्लैब कम है, इंसान की गरीब आदमी है उसको वो टैक्स नहीं देना पड़ता है। इसी तरह से जो प्रॉपर्टी टैक्स है, ये प्रॉपर्टी टैक्स भी एक डायरेक्ट टैक्स है और प्रोग्रेसिव टैक्स है, क्योंकि जिसकी कम एसेट्स हैं, जिसकी कम प्रॉपर्टी है, वो या तो एग्जम्प्टेड होता है या बहुत कम रेट होती है। और जो ही आपकी जो एसेट्स का साइज, एसेट्स का क्वांटम बढ़ता है तो प्रॉपर्टी टैक्स भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ता है। इसलिए ये प्रोग्रेसिव होता है। एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी इसको माना जाता है कि जो हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, देश में बड़े एसेट वाले जो हमारे होल्डर्स होते हैं उनका टैक्स गरीब के लिए, उस गरीब के आसपास की डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। सो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट जो सर ने भी अच्छे से समझाया है। दूसरा पॉइंट जो बहुत अहम है वो ये अहम है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई GST अभी इकट्ठा होता है तो ये कंसोलिडेटेड फंड में चला जाता है। फिर वहाँ से थ्रू फाइनेंशियल जो जिस तरीके से बजटिंग होती है, फाइनेंशियल बिल्स होती हैं, उसके हिसाब से एलोकेट होता है। ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है, ये प्रॉपर्टी टैक्स अर्बन लोकल बॉडी अपने एरिया में खुद इकट्ठा करती है और इसके बाद इसको खर्चा करने का भी अधिकार उसी अर्बन लोकल बॉडी को होता है। इसका मतलब श्रीनगर में जो भी इकट्ठा होगा वो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ही अकाउंट में जाएगा और इसका खर्चा, इसको किस तरीके से खर्च करना है, इसको किस तरीके से जो है स्पेंड करना है, कौन सी डेवलपमेंट कामों में करना है, दैट वुड बी डिसाइडेड बाय श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ओनली। इसी तरीके से छोटी कोई म्युनिसिपल काउंसिल है, म्युनिसिपल कमेटी है, वहाँ पे जो इसमें कलेक्ट होता है दैट वुड अगेन, इट विल नॉट गो टू गवर्नमेंट, ये UT गवर्नमेंट को नहीं जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं जाएगा, ना ही एक ULB से दूसरे ULB में जाएगा। इसका मतलब जो प्रॉपर्टी टैक्स श्रीनगर में इकट्ठा होगा ये जम्मू में स्पेंड नहीं होगा, ये अनंतनाग की म्युनिसिपल कमेटी में स्पेंड नहीं होगा। इसी तरीके से जो अनंतनाग म्युनिसिपल टाउन में म्युनिसिपल कमेटी जो इकट्ठा करेगी, म्युनिसिपल काउंसिल जो इकट्ठा करेगी, वो सिर्फ अनंतनाग में ही खर्चा होगा। इससे क्या होता है कि लोकल जो म्युनिसिपल बॉडीज होती हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती हैं, उनका रिसोर्स बढ़ता है और इन्हीं कामों से, इन्हीं इसी पैसे से फिर वो लोकली अपनी प्रायोरिटीज को सेट करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। अभी अगर हम श्रीनगर की बात करें, हम लोग हार्डली 10-12% अपने खर्चे को इकट्ठा कर पाते हैं थ्रू आर रिसोर्सेज, थ्रू आर डिफरेंट मीन्स। बट जब खर्चे की बात करते हैं, चाहे हमें सैनिटेशन की बात हो, सैनिटेशन वर्कर्स को लगाने की बात हो, गाड़ियों को लगाने की बात हो, ब्रूम्स की बात हो, यूनिफॉर्म की बात हो, इसी तरीके से विंटर में स्नो क्लियर करना है, स्नो क्लियरेंस के मशीनरी की का खर्चा हो, फ्यूल का खर्चा हो, हमारे स्टाफ का खर्चा हो, अब कहीं ड्रेन्स बनानी है, कहीं इस समय हम लोगों ने रिसेंटली श्रीनगर में ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाया था सर, लगभग
हमारे यहाँ अभी 1000 किलोमीटर का ड्रेनेज नेटवर्क है और 1500-1600 किलोमीटर का ड्रेनेज नेटवर्क की और ज़रूरत है। सर पिछले साल जो 74th Amendment में हमारे यहाँ जो है श्रीनगर के रोड्स ट्रांसफ़र हुए हैं, लगभग हमारे पास 2200 किलोमीटर ऐसे रोड्स हैं जिन पे मैक्टमाइज करने की ज़रूरत होती है, जिनको जो मोटरेबल ज़रूरत है। पूरे अगर हम गलियों की बात करें लगभग हमारे पास 7000-7500 लेन्स बाई लेन्स हैं शहर में। तो जो ये पैसा है, जो भी ये रिसोर्स है, ये इसी काम में, इसी पब्लिक सर्विस के लिए यूज़ होगा। बाकी भी अक्रॉस द कंट्री जितनी भी म्यूनसिपल बॉडीज़ हैं, चाहे बड़े को अगर हम BMC या अहमदाबाद या बेंगलोर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को भी छोड़ें, जो छोटी छोटी या हमारी जो लेवल की या हमारे टाइप की इकोनॉमिकली या जियोग्राफिकली जो हमारी इक्वली सिमिलरली प्लेस सिटीज़ हैं या टाउन्स हैं, वहाँ पे भी सबसे बड़ा मेजर जो एक इनकम का सोर्स होता है वो ये प्रॉपर्टी टैक्स होता है। चौक में आपकी लगभग 300 स्क्वायर फीट की दुकान है, जो अच्छी खासी दुकान है, उसका साल का ये लगभग 2200-2300 रुपये बनता है, समथिंग अराउंड दैट। इसी तरीके से अगर आपका राजबाग में है, एक कनाल की ये है, तो उस पर भी आप देख सकते हैं 2000-2500 इसी के अराउंड ये बनता है। ये सभी कैलकुलेशंस भी हमने जो है अपने रखी भी है। इस समय हम लोगों ने ट्विटर हैंडल वगैरह पे भी एक बेसिक कैलकुलेटर भी शेयर किया है, जिसमें आप अपनी अपनी ये डेटा डाल के खुद देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा जो प्रॉपर्टी टैक्स कितना बनता है। बहुत ही कम जो है अमाउंट ये बनता है। इसमें सभी प्रोविजंस रखी गई हैं जिससे ये ज़्यादा प्रोग्रेसिव बने। इसमें ये भी है कि अगर टाइमली पे किया जाता है तो उसमें 10% का एग्जम्पशन भी होता है। सो कुल मिला के आई थिंक इन कंक्लूजन बिफोर वी प्रोसीड फॉर द फर्दर प्रोग्राम वी वॉन्ट टू ड्राइव दिस पॉइंट कि किसी भी तरीके से अफवाहों का, किसी भी तरीके से जो अनसबस्टेंशिएटेड क्लेम्स पे उन पर जो है बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ये SO भी पढ़ सकते हैं, इसके साथ जो एनेक्सर्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। खुद जहाँ अपने घर का भी, अपने प्रॉपर्टीज़ का भी, जहाँ पे भी आप रहते हैं, आप खुद अपना कैलकुलेट करके देख सकते हैं। आप ये खुद ही समझ पाएंगे कि ये किसी भी तरीके से इट इज़ नॉट डिस्प्रोपोर्शनेट, इट इज़ ओनली समथिंग जो बिल्कुल एक प्रोग्रेसिव और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और इससे जो भी रिसोर्स, जो भी इसमें वट एवर कलेक्शन हैपन्स, जो भी इसमें से फंड्स इकट्ठा होंगे, दोज विल बी यूज by the local body for the development, for the improvement of services for its citizens. सर दो चीज़ें, जब हम 1000 square feet की बात करते हैं तो हम 1000 square feet area land की बात नहीं करते, we are talking about built up area. तो इनफैक्ट अगर आप हमारे श्रीनगर की ही बात करते हैं, डाउनटाउन के आप अक्सर एरियाज को देखते हैं, हमारा लार्ज प्रोपोर्शन जो एक गरीब तबका है, दे फॉल विद इन दिस 1000 square feet ब्रैकेट। इनफैक्ट इसका भी एक लॉजिक है कि 1000 square feet ही क्यों, जब हम प्रधानमंत्री आवास योजना के देखते हैं, जब हम लो इनकम ग्रुप में हाउसिंग का डेफिनेशन देखते हैं, सो उसमें दिस हैज बीन डन कीपिंग दैट थिंग्स और दोज थिंग्स ऑल्सो इन माइंड। दूसरी चीज़, जब 1000 square feet से आगे का है, उसके बाद का मतलब ये नहीं हो कि किसी का अगर 1100 या 1500 square feet है तो उसका एकदम से बहुत ज़्यादा है। उसका भी जो प्रॉपर्टी टैक्स मान लीजिए 1000, दैट इज अगेन वेरी नॉमिनल, दैट्स अगेन वेरी मिनिमल। पीपल आर रिएक्टिंग बिकॉज़ इट्स हैपनिंग इन कश्मीर फॉर द फर्स्ट टाइम, इट्स इन द हिस्ट्री, इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट्स व्हाई पीपल आर गेटिंग एंग्जियस। सर ये बताइए कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास इलेक्टेड बॉडी है कॉर्पोरेटर्स की, एंड थ्रू सोशल मीडिया एंड अदर मीडिया दे हैव रिजेक्टेड इट, विल SMC सून गो अहेड एंड इंपोज इट? सबसे पहले क्योंकि अगर आप ये SO पढ़ेंगे, इस SO में देयर इज अ रेफरेंस टू सेक्शन 143A ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, जिसमें द गवर्नमेंट हैज द पावर्स एंड अथॉरिटी पावर्स टू इंप्लीमेंट एंड इशू दिस ऑर्डर, जिसको इशू किया गया है, एंड इट इज क्लियरली रिटन इन द ऑर्डर दैट दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1st April 2023, एंड इट विल बी इम्प्लीमेंटेड विद दैट टाइमलाइन, विद दैट डायरेक्शन एज द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी इशूड। As far as the fact is concerned, again, कि अगर ये order अगर government ने issue किया हुआ है, but this has been issued for the empowerment, for the improvement of the municipal bodies, मुझे लगता है सबसे बड़ा beneficiary इसका municipal corporation ही होगा। इससे जो भी funds, whatever, it's again at the cost of repetition, whatever the taxes will be collected,
दैट विल बी विद द इन द अकाउंट ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ओनली, और हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही डिसाइड करेगी उन फंड्स को किस तरीके से कैसे स्पेंड करना है. इसमें भी कई तरह के जो एग्जेम्पशंस हमारे, फॉर एग्जांपल अगर आप जो एक्ट भी देखेंगे उसमें भी कई सारे प्रोविजंस में वो एग्जेम्पशंस दिए गए हैं. दोज एग्जेम्प सिमिलरली जो रूल्स भी फ्रेम किए गए हैं उन रूल्स में भी वो एग्जेम्पशंस, काफी सारे एग्जेम्पशंस आर ऑलरेडी देयर. दोज एग्जेम्पशंस वुड बी टेकन केयर. लो पॉवर्टी लाइन हाउसहोल्ड्स जो है वो भी आ रहे एग्जेम्पशंस में कि यस, जिस तरीके से अभी सर ने भी बताया कि जिस भी रेजिडेंशियल व्हिच इज लेस देन 1000 स्क्वायर फीट they are exempted from property tax. उनपे कोई भी ऐसे सर, if somebody is from a low poverty household and उसका जो built up area है that is more than 1000 square feet, would he be exempted or would he be paying this? इसमें जो basis है property tax calculation का that is the built up area. तो इसमें the category of the person will not be considered, it would be the built up area of the property. क्योंकि property tax है ना, तो property is the base. हाँ सर, आपने अभी बताया जो एक टैक्स जो भी देगा प्रॉपर्टी टैक्स वो एलिजिबल टू पे, तो वो टैक्स का पैसा यहाँ के जो डेवलपमेंटल वर्क्स है उसमें लाएगा. सर अगर हम एक्सपर्ट्स की बात करें जो ना इकोनॉमी को समझते हैं अच्छे से, उनका ये कहना है कि जब तक एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी किसी भी जगह, चाहे हम यूटी की बात करें, स्टेट की बात करें, कंट्री की बात करें, तब तक इकोनॉमी बूम नहीं होगी. जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और यहाँ पे टैक्स पे टैक्स लगाया जा रहा है हर किसी. अगर हम खाने की चीज़ों से अगर हम स्टार्ट करें, सुबह जब उठते हैं चाय पीते हैं दूध से स्टार्ट करें हम, बल्कि शाम के खाने तक हर किसी चीज़ में जीएसटी है. अब आप प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे मोर देन 20% जहाँ तक मुझे याद है, तो अब कैसे देखते हैं इसको? तो यहाँ की इकोनॉमी सर्वाइव करेगी जम्मू कश्मीर की, स्पेशली जम्मू का. देखिए इसमें दो तीन चीज़ें साफ साफ है. नंबर वन आप ये बताइए, जैसा अभी कमिश्नर साहब ने बताया आपको, अगर म्यूनसिपैलिटी 100 रुपये का खर्चा है इसका, तो इसकी इनकम कितनी है? इन्होंने कहा 10 रुपये. आता हूँ मैं इस पर. तो जो आप सैनिटेशन फी और जितने भी जो फी लगा के जो इनकम है कॉरपोरेशन की वो 10 रुपये है, अगर खर्चा 100 रुपये है तो. फिर आप क्या करते हो कि जब आपको अच्छी सर्विसेज देनी है, जैसे आपको कहा कि अब आपको रोड ट्रांसफ़र हो गए हैं, फिर आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि भाई थोड़ा इनकम अपनी बढ़ाई जाए, यही सोचेंगे आप? क्योंकि जब आपको अच्छी सर्विसेज देनी है तो आपको इनकम भी चाहिए, उसके लिए पैसे भी चाहिए. इफ़ नॉट प्रॉपर्टी टैक्स देन व्हाट एल्स? ओके, बिकॉज इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं इमीडिएटली जो वाइडली एक्सेप्टेड है. यही नहीं, पूरे देश में दिया जाता है. और मैं एक चीज़ और बताता हूँ, हम तो फार्मर इनकम की बात कर ले, हम देश में टॉप 5 में आते हैं, तीसरे या चौथे पे आते हैं पर कैपिटा फार्मर इनकम की बात करें. आप हमारी बाकी जो डाटा उठा ले, मैं ओपिनियन की बात नहीं कर रहा, मैं डाटा की बात कर रहा हूँ, फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ. ओपिनियन में तो आप कह सकते हो साहब मुझे लगता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एक ओपिनियन है, बट मैं डाटा की बात करता हूँ. साहब चाहे वो बिहार हो, उड़ीसा हो, जहाँ हमसे कम लोग पैसा कमाते हैं वहाँ भी लोग प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं और अपने कॉरपोरेशन को देते हैं और उनको उसी से अच्छी सर्विसेज मिलती है.